की थी अपनी स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए थे, जिसमें सबसे पहला हमारा मुद्दा था कि आपने शुरुआत से इसमें गड़बड़ियाँ की हैं। जैसे आपने इसका रजिस्ट्रेशन रीओपन किया है 2 दिन के लिए, उसका आपने कोई हमारे पहले से कोई नोटिफिकेशन नहीं इशू किया। दूसरा इशू हमने ये रेस किया था कि जो आपने ग्रेस मार्क्स पेपर लीक का इशू था, और तीसरा ग्रेस मार्क्स का इशू था। तो आज ग्रेस मार्क्स का इशू कोर्ट ने कंसिडर किया है, और उसमें ये कोर्ट ने ये बोला है कि कोर्ट एनटीए ने आके क्लेरिफिकेशन दिया, एक कमेटी बनाई जिसके बेसिस पे कोर्ट ने ये बोला है कि ठीक है जितने। और लगातार हुए आतंकी हमलों को लेकर अब लगातार बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि आतंकियों की मदद करने वालों के घर तक जब्त कर लिए गए हैं। जहां आतंकियों के मददगारों के घर तक जब्त कर लिए गए हैं। एक तरफ ढूंढ ढूंढ कर आतंकियों को खत्म किया जा रहा है, वो आतंकी जिन्होंने कठुआ डोडा रियासी में, हालांकि रियासी के आतंकियों को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है, लेकिन कठुआ में 2 आतंकियों को कल मौत के घाट उतार दिया गया था। बताया यह जा रहा है कि अनंतनाग पुलिस ने एक मकान जब्त किया है, अब रियाज अहमद भट्ट का मकान जब्त किया है। और इसी खबर पर गुरसिमरन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, अगर 9 तारीख की हम बात करें, 9 जून को रियासी में हमला होता है, फिर 11 को कठुआ में होता है, उसके बाद डोडा में 12 जून तक लगातार हमले होते हैं, एक के बाद एक जो ये हमले हो रहे हैं, इसके पीछे मुख्य तौर पर वजह क्या समझी जा रही है? क्या ये माना जाए कि अब सर्जिकल स्ट्राइक का वक्त आ चुका है? देखिए, एक बात बड़ी साफ है कि आतंकी घुसपैठ कर भारतीय सरजमीं में पहुंच चुके हैं, और ये आतंकी 2 या 4 नहीं है, इनकी संख्या जो है डबल डिजिट में है, दहाई के आंकड़े में है, और ये आतंकी खूंखार आतंकी हैं, चाहे वो लश्कर के हों या जैश मोहम्मद के। क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो तब भी जम्मू में कई जगह पर सर्च ऑपरेशन शुरू है। इस वक्त हम जम्मू के बठिंडी इलाके में मौजूद हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो है अपने आतंक विरोधी वाहनों को यहाँ पर लगा दिया गया है। आप यहाँ पर इस तरफ अगर देखेंगे तो तमाम आला अधिकारी जो हैं वो इस वक्त मौके पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि यहां पर भी 2 संदिग्धों के देखे जाने की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिली है। राष्ट्रीय राजमार्ग से सटा हुआ इलाका है, इसके साथ ही 2 संदिग्धों के देखे जाने की कि इस नाले के इलाके से ये संदिग्ध जो है ऊपर की तरफ गए हैं, तभी पूरे इलाके को घेर लिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से, और ऑपरेशन बिल्कुल बिल्कुल गुरसिमरन आपके पास वापस हो जाएंगे। एरावत के पास जाना चाहेंगे क्योंकि एरावत के पास कुछ हलचल नजर आ रही है। एरावत, ओवर टू यू। जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से जम्मू में यहाँ प्रदर्शन है, लगातार हो रहे हैं युवा राजपूत की जानिब से यहाँ पे प्रदर्शन जो है लगातार जारी है। इनका डिमांड है कि इनको भी वेपन्स प्रोवाइड किया जाए, उसके बाद यहाँ पर ये भी इसके साथ जो है, आप मुझे बताइए किन चीज़ों को लेकर आप प्रदर्शन आज कर रहे हैं? सर, आपने देखा जो 5-6 कांड हुए हैं अभी डोडा में, हीरानगर में, तो अपना रियासी में भी छोटे छोटे बच्चे बेचारे मार दिए गए हैं। तो अगर ये पाकिस्तान बहुत गलत कर रहा है सर, बार बार सिविलियन को निशाना बनाए, फोर्सेस को निशाना बना रहा है, क्यों? ये सर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है सर ज़्यादातर। आप देख सकते हो लगातार किस तरह से यहाँ पे प्रदर्शन जो है लगातार जारी है, लगातार आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे युवा राजपूत के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पर जो आप देख रहे हो किस तरह से यहाँ पे लोग जमा हुआ है, इकट्ठा हुआ है, और लगातार यहाँ पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और लगातार यहाँ से आप मुझे बताइए पाकिस्तान लगातार टारगेट कर रहा है, सिविलियन को टारगेट कर रहा है, फोर्सेज को टारगेट कर रहा है, और ये नाराजगी केवल जम्मू में नहीं बल्कि दिल्ली से लेकर लखनऊ भोपाल सभी जगहों पर देखने को मिल रही है। लोग सड़कों पर है और लगातार बड़े एक्शन की मांग करें। धन्यवाद एरावत आपका, गुरसिमरन आपका, तमाम जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन बड़ी खबरों पे लगातार नजर बनी हुई है।